कांग्रेस नेता और नगर निगम कटनी के पूर्व महापौर बृजेंद्र मिश्रा उर्फ राजा भैया के पेट्रोलियम पंप में प्रश्न हुए नकली डीजल के अवैध कारोबार को पकड़ा। शनिवार आधी रात राजस्व, पुलिस और फूड विभाग के अधिकारी पहुंचे। कार्यवाही में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सुनील जैन टीम के साथ मौजूद रहे। कुठला थाना स्थित कृषि उपज मंडी के समीप विजय प्रकाश मिश्रा पेट्रोलियम पंप के अंतर कैरोसिन के 3 टैंकर खड़े रहे। टैंकरों से 19,650 लीटर कैरोसिन की जब्ती की गई। भूमिगत टैंक में 9,995 लीटर नकली डीजल आरोपी ने विक्रय के लिए रखा हुआ था। नकली डीजल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और केमिकल भी यहां पर मिला। पुलिस ने इस मामले में बृजेंद्र मिश्रा और उसके 2 कर्मचारी दिनेश तिवारी, अंजनी परोहा को धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोपी बनाया है। सूचना मिली थी कि बहरुआ में एक लोकेशन पे केरोसिन की मिलावट के साथ साथ कुछ ऐसी बसेस की सूचना मिली थी जो लोग एक ही नंबर प्लेट पे एक से अधिक बसेस चला रहे थे। जानकारी जो मिली और ये तय हुआ कि आज संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रशासन की टीम, एडीएम साहब ने लीड की, पुलिस की तरफ से एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई, फूड की टीम, राजस्व विभाग की टीम, सभी टीम यहाँ पर एक समय पहुँची और उन्होंने यहाँ आके जब देखा तो जो उन्होंने दोनों प्रकार की यहाँ पर प्रथम दृष्टिया हम लोगों को यहाँ पर गलतियाँ दिख रही हैं। बसेस में भी हमें मिली एक से अधिक बसेस सेम नंबर प्लेट की, और जो यहाँ पे जो कंज्यूमर पंप है वहाँ पर भी केरोसिन प्राप्त किया गया, और उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं कितना केरोसिन मिला है, बायोडीजल का भी यहाँ पे कुछ हम लोगों ने चेक किया तो निकल रहा है प्रथम दृष्टिया। फूड डिपार्टमेंट की टीम अब पूरा चेक करेगी कितना बायोडीजल है, कितना केरोसिन है, सैंपल लिए जाएंगे और इसके तह तक पहुँचा जाएगा कि ये मिलावट यदि हो रही थी तो किस स्तर पे हो रही थी और इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके साथ जो बसेस में भी जो अनियमितताएँ मिली हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।